नाम भी बताओगे सारा एड्रेस भी चाहे लोगे क्या लोगे आप इतने सारे यार उसी पे डाउट है उस पर कार्रवाई उसने अरेस्ट करो जो आप पांच या दस मिनट मतलब रुकोगे ना मेरे ख्याल मतलब वो जी फोन कराया था ना टोल क्रॉस कर लिया था चलो बात कर लो तेरे घर में लिया ना लिया ले मैं भी मोनो मुझसे तो अपना पूरी हो ट्रैक्टर तो हमेशा गौशाला में जरूरत के हिसाब से खरीदा जावे फिर जरूरत के हिसाब साथ साथ में जो हमारी प्रधान जी की टीम है तो हमारी टीम तो हरे बढ़िया रही है लेकिन जो अब हमारी टीम है गौशाला की प्रधान के नेतृत्व में वो अग्रणीय बहुत ज़्यादा काम करी है और अपनी मेहनत ये शायद तीसरा ट्रैक्टर ले लिया इन्हें एक छोटा ट्रैक्टर ले लिया और लगातार एक एक रुपया मैं मलका में चंदे का रूप में लिया हुआ है और लिया उसने बिल्कुल सही उपयोग में लगा रहे हैं और ट्रैक्टर की गौशाला में पिछले दिनों चोरी हो गई थी बहुत जरूरत थी उन जरूरत तो देखते हुए फिर ट्रैक्टर लेना पड़ा महाराज जी प्रधान जी ने बताया ट्रैक्टर ट्राली चोरी पुलिस कार्रवाई नहीं करी इसके बारे में क्या देखो प्रशासन दी हम कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ढीलपना मानना हाँ लेकिन इतनी पकड़ मार जाना चाहिए और हम तो ये मानना जो हमारे यहाँ पुराने कर्मचारी थे ये प्रशासन का भी मिला ने हम उन हम ये कहा ना हमारा यूपी का लेबर थी उन पकड़ो हमारा ट्रैक्टर मिल जाए गौशाला आदमी बिना ट्रैक्टर नहीं निकल सकता तो लोगों से क्या अपील करना चाहोगे अब गेहूं का सीजन आ गया लोगों से ये अपील कराना सबसे पहले तो कितना जल्दी हो सकता मौसम भी साहब अपने पहले गेहूँ इकट्ठे करो जमींदार तू जमींदार पर गेहूँ इकट्ठे होने तभी
गौशाला में मंदिर में कोई भी धार्मिक संस्था उसमें वो दान देता है। अगर जमींदार पे नहीं होता हम दान कहाँ से ले आवाने। सबसे पहले तो ये है जमींदार अपनी मेहनत करता अपने एक एक दाना इकट्ठा करो और अपना घर लेगा। हमारा जी एक अपना किसान आंदोलन चल रहा है बहुत लंबा समय हो गया, तो सरकार भी अड़ी हुई है, किसान भी अड़े हुए हैं, तो क्या करना चाहिए सरकार? देखो किसान हम तो सीधे प्रधानमंत्री दाव कराने, प्रधानमंत्री देश का माँ बाप है और माँ बाप ने देश ये औलाद है बेटा बेटी है, उनमें बेटा बेटी में कुछ कमी भी हो सकता है, लेकिन माँ बाप ने बेटा बेटी की माननी चाहिए और ये जमींदारों दो की मांग मान लेनी चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी माननी चाहिए और जमींदार तो खुद अपना आप आग उन्हें उठाना चाहिए और मानना चाहिए। राजनीति भी है क्या? तो ये हम कह नहीं सकते राजनीति है, लेकिन ये जमींदार खुद हम भी हाँ जमींदार की प्रॉब्लम तो हमने भी बताया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर ये कानून लागू हो जाए नहीं जमींदार दे इसमें अंतर पड़े है, दोगुनी आय नहीं होती, नुकसान है। एक रोज किसान मरे लगभग 300 से ऊपर किसान मर गए, तो उनके प्रति सरकार को क्या करना चाहिए? उनके प्रति हमारी जमींदार जो सहानुभूति है, और मैं तो प्रधानमंत्री ये भी कहूँगा कहीं भी देश में चार आदमी मरो उन तो दुख प्रकट कर रहे हैं और हमारे 300 जमींदार मर लिए और कंटिन्यू चल रहा, इसके लिए ये भी शब्द नहीं निकाला। हम तो ये कहने प्रधानमंत्री था माँ बाप ने इतना निर्दलीय नहीं होना चाहिए, इतना कठोर दलील ना अपना लिया, तो वापस लेना चाहिए सरकार। हाँ वापस लेना चाहिए, जमींदार किसी भी प्रकार मान के वो उठा देने चाहिए, हम तो ये कहा जमींदार भी माननी चाहिए। बताइए आज ट्रैक्टर खरीदा है? ट्रैक्टर की जो है ना चार ट्रैक्टरों की फील्ड में यहाँ जरूरत रहती है, एक ट्रैक्टर ट्रैली चोरी हुए ने हमारे 20 दिन हो चुके हैं, उस ट्रैक्टर की हम तो न्यू मान गए कि भाई वो उठावे को नहीं हमने, क्योंकि पुलिस ने आज तक गौशाला के किसी कर्मचारी से या प्रधान से आकर के ये नहीं पूछा है कि भाई किसके पास चाबी थी, कैसे निकला, किधर हुआ। एक बार इतला देने के बाद आए, वो हमारी बात जो मैंने कहा वो सुन कर चले गए और अब कह रहे हैं डंप ला रखे हैं, फलान ला रखे हैं। अगर बार बार पुलिस से हम संपर्क करें और वो हमारे से करें तो कुछ ना कुछ भेद निकल सकता है। हमने मदीना टोल तक की उनको वो दे दी, ले आ गए फुटेज, पुलिस ने ये मकसद नहीं की है कि भाई हम ट्रैक्टर के पेड़ों पेड़ों चलें। अगर पुलिस चाहती तो आज तक ट्रैक्टर पा जाता और मारा भी सब्र का बांध टूट लिया। ये तो लोगों के द्वारा दिए हुए पैसे हैं, जोड़ी करके मांग के ले आवा, हाँ 12-13 गाँव से ये खूब दे हैं और आज भी हम उनसे रिक्वेस्ट कराएंगे भाई अपना नाच पात जिस तरह महाराज जी ने बताई टाइम तक निकालो और भाई गौशाला में तूड़ार नाच ज़्यादा से ज़्यादा दो। तो महाराज सबर का बांध टूट लिया, हम ही जो है ना सिटी थाना मिलाएंगे जाकर उसके बाद और ऊपर कार्रवाई करा, चाहे हमने भूख हड़ताल करनी पड़ो। हम ट्रैक्टर ने छोटा कौन, लोगों के खून पसीने का ट्रैक्टर है वो मेरे बाप की जागीर नहीं थी। जब पुलिस इस तरह शांत हो गए बैठगी जो तक नहीं रहेंगी मेरा होता अकेले का तो बिल्कुल ना टोते। अरे गौशाला की है चीज़, अरे उनके खाजते नहीं हो रही किसी के भी, तो हम अपना हाली उनके लिए करांगे बात कि भाई हमने धरना देना पड़ो, भूख हड़ताल करनी पड़ो, ई बागे कार्रवाई या करांगे 5 दिन पाछे। हाँ गाँव से आए हैं तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है लगभग गौशाला कमेटी भी प्रधान तो जैसे प्रधान जी ने बताया कि हमने लगभग सकनी पक्का यकीन है जिस आदमी ने ट्रैक्टर चोरी किया है उसका हम नाम भी बताएंगे और उसके प्रूफ भी हैं और जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी लगभग दे चुके, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो जब से प्रधान सतवीर पटवारी जी बने हैं गौशाला हमारे दोनों संरक्षक और सभी कार्यकारिणी की और इलाके के सहयोग से बड़ी अच्छी चल रही है। चार ट्रैक्टर खरीद लिए हैं, जेसीबी खरीद ली है, एक ट्रैक्टर चोरी हो गया। प्रधान जी वाली बात है वो लोगों का दिया हुआ ट्रैक्टर है, लोग दिल खोल के दान देते, पूरा शहर आस पास के गांव दिल खोल के दान देते हैं और इस तरह एक कर्मचारी उसको चोरी कर लिया जाए, उसका सुराग भी मिल गया और वो मिला नहीं हो तो बहुत गलत बात है। हम आज भी मिलेंगे SP साहब से मिलेंगे और ये दोबारा हम इसकी डिमांड करें कि उनको जैसे तैसे हमारा ट्रैक्टर बरामद किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें जी FIR दर्ज हो चुकी है और उनके जिगर शक था, उनके मोबाइल नंबर लगा रखे हैं, डंपो उठाने की दरख्वास्त दे रखी है,
उनकी लोकेशन आ जाएगी, भरसे के प्रयत्न कर रहे हैं। तो कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ सामने आई है? देखिए, पर जो उनमें सीसीटीवी फुटेज में है उन्हें सामने सही नहीं दिख रही सब। जो गौशाला के प्रधान है कमेटी है, अच्छा, उनका ये कहना है कि भाई जो चौकी इंचार्ज है, जो चौकी पुलिस है, अब उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहे हमको, ना को कार्रवाई कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो हम एफ आई आर दर्ज कर दिए, उनके फोन ना गए, लोकेशन लेने लग रहे हैं, जितना जल्दी होगा उतना उसको ट्रेस करेंगे। तो ये कब तक कार्रवाई हो जाएगी इसकी? लोकेशन उनकी आ जाएगी, कॉल डिटेल आज आ जाए, कल आ जाए। जो आज एक ट्रैक्टर खरीदा गया है, हम तो अपने उस तरह खूब तलाश कर रहे हैं, जितना जल्दी होगा, वो तो सबका काम है, उनका गौशाला का ट्रैक्टर सभी का हुआ है। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई है? 22-23 दिन हो चुके हैं अभी। उनके सारे जीत जीत का गाँव तो फुटेज ले ली उसकी, और लोकेशन व उनके नंबर लगा रखे हैं। बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। जल्दी पकड़े जाएंगे।